तमिलनाडु की अम्मा जयललिता अब हमारे बीच नहीं है। भले ही उन्होंने राजनीति के सफर में आखिरी सांस ली हो, लेकिन बचपन से ही उनका ख्वाब एक कामयाब वकील बनना था। जयललिता की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उनके करियर की शुरुआत फिल्मों से हुई। राजनीति में अपना लोहा मनवा चुकी अम्मा का फिल्मी करियर भी बेहद शानदार रहा है। कर्नाटक के अयंगर परिवार में जन्मी जयललिता की पढ़ाई बेंगलुरु और चेन्नई के कॉन्वेंट स्कूलों से हुई। जब वो महज 2 साल की थीं, तब उनके पिता का देहांत हो गया। आर्थिक स्थिति डगमगाने की वजह से जयललिता की मां ने तमिल फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। साथ ही जयललिता ने भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपना फिल्मी करियर शुरू किया। 1964 में जब जयललिता महज 15 साल की थी, तो उन्हें कन्नड़ फिल्म चिन्नाड़ा गोम्बे में लीड रोल मिला। धीरे धीरे वह तमिल फिल्मों में अग्रणी अभिनेत्रियों में भी शुमार हुई और इसी दौरान उन्हें तमिल फिल्म के मशहूर अभिनेता एमजी रामचंद्रन का साथ मिला। जयललिता उनकी फिल्मों को देखकर ही बड़ी हुई थी और जब वो कोई भी उनकी फिल्म देखकर आती थी तो घर में भाई के साथ एमजी का रोल अदा करती थी। उनकी हसरत थी कि रामचंद्रन के साथ काम करने का उन्हें मौका मिले और उनकी ये हसरत बहुत जल्द पूरी हो गई। 1965 से 1972 के दौर में उन्होंने अधिकतर फिल्में एमजी रामचंद्रन के साथ की। फिल्मी पर्दे पर जयललिता और रामचंद्रन की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। रामचंद्रन तमिल फिल्म के बादशाह होने के साथ ही राजनीति के भी बादशाह थे। इसी वजह से जयललिता के साथ उनके पर्दे की जोड़ी को असल जिंदगी में खूब उछाला गया। चर्चे आम हो गए कि रामचंद्रन और जयललिता के प्रेम संबंध हैं। 1970 में एक दौर ऐसा भी आया जब पार्टी के लोगों के दबाव में एमजीआर ने दूसरी अभिनेत्रियों के साथ काम करना शुरू कर दिया। वहीं जयललिता भी दूसरे अभिनेताओं के साथ फिल्मी पर्दे पर दिखने लगी। करीब 10 सालों तक इन दोनों ने एक साथ कोई फिल्म नहीं की। भले ही बड़े पर्दे पर इनकी जोड़ी को अलग कर दिया गया हो, लेकिन असल जिंदगी में वो हमेशा साथ रहे। 1968 में जयललिता ने हिंदी फिल्म इज्जत में भी काम किया और इस फिल्म में उनके हीरो थे धर्मेंद्र। यह जया की इकलौती हिंदी फिल्म थी। तमिल दर्शकों को जया और रामचंद्रन को पर्दे पर एक साथ देखने की इतनी आदत हो गई थी कि एमजी और जया को एक बार फिर साथ आना पड़ा। 1973 में जया और एमजीआर एक बार फिर पर्दे पर साथ दिखे। इन दोनों ने कुल मिलाकर 28 फिल्मों में साथ काम किया। में जया ने अपनी आखिरी तमिल फिल्म में काम किया। जयललिता ने कुल मिलाकर 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर की बेस्ट साउथ अभिनेत्री के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और ऐसा ही कुछ अम्मा की जिंदगी में देखने को मिला। सफलता मानो हर वक्त उनके साथ खड़ी रहती थी, क्या आम क्या खास। हर तबके के लोगों ने उन्हें चाहा और आखिरी सांस तक उनकी आंखों में अम्मा के लिए प्यार और आंसू बरकरार रहे। देखते रहिए डीबी लाइव।